श्री संजय भाटिया। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, जहां पर जो बॉयलर चलते हैं वो कोयले से चलते हैं, लेकिन मेरा पूरा लोकसभा क्षेत्र यस बॉयलर पर उद्योग चल रहे हैं। पीसीबी द्वारा इकाइयों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। यदि ये उद्योग 30 सितंबर 2022 तक पीएनजी में नहीं बदले गए तो इन्होंने सबको नोटिस देना शुरू किया है। एनसीआर में हजारों बॉयलर हैं और सभी उद्योग अगर बॉयलर बदलते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको इतनी जल्दी चेंज कर सकें। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें ईंधन की जो लागत है वो 3 गुना बढ़ जाएगी, जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। एनसीआर क्षेत्र में सभी इकाइयां बंद रहेंगी और शेष भारत के साथ वो कंपटीशन नहीं कर सकती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पीएनजी जब तक आपूर्तिकर्ता प्रत्येक क्षेत्र और एकाधिकार में केवल एक ही है और बहुत ज्यादा कीमत उसकी वसूली जा रही है, इन पीएनजी आपूर्तिकर्ताओं पर कोई निमंत्रण नियंत्रण भी नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि पानीपत उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कृपया बॉयलरों के ईंधन के रूप में कोयले की अनुमति दें या मेरे संसदीय क्षेत्र को एनसीआर से बाहर किया जाए।